हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल केडी दावत व्लॉग। सो बहुत दिन के बाद, मतलब 1 वीक के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। सो आज जो है जन्माष्टमी है, तो यहाँ पे मैं कियांश को रेडी कर रही हूँ कृष्णा के लिए। एक्चुअली जब बच्चे छोटे होते हो तो उनको ऐसे फ़ोटोज़ अगर हम लोग निकाल के रखेंगे तो एक मेमोरेबल मोमेंट्स रहता है, तो हमें ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह बच्चों का निकाल के रखना चाहिए। एक्चुअली कियांश का भी जन्म जो है 2017 में हुआ था, तो एक दिन पहले यानी कि 15 अगस्त को जन्माष्टमी था, बट उसका जो जन्म था एक दिन के बाद ही हुआ है, यानी कि उसका जन्म कृष्णाष्टमी के टाइम पे ही हुआ था। तो यहाँ पे मैं दोनों को रेडी कर रही हूँ, सोनू को और हनी को। बड़ो छोटू है वो बहुत ही रो रहा था, तो उसको मेरी जो ननद है दूध पिला रही थी और चम्मच से। तो यहाँ पे मैं कियांश को रेडी कर रही थी। जो मैं नेकलेस उसको डाली थी वो मैं अमेजोन से ली थी, बहुत दिन हो गया बट मैं अभी तक उसको वेयर नहीं की थी, बट अभी काम आ गया है उसको। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे लॉन्ग, मतलब 3-4 लॉन्ग चेन्स थे, तो वही मैं देख रही थी कि कौन सा सेट होगा। और दूसरा भी, मतलब दोनों को डालना है, एक तो राधा को भी रेडी करना है मेरी ननद की लड़की को, और एक सोनू को भी रेडी करना है। तो ये दोनों मैंने सबको अच्छे से रेडी तो किया था, बट मैं उन लोगों को स्टूडियो नहीं लेके गई, फ़ोटोज़ निकालना चाहिए था बट मैं निकाल नहीं पाई, मैं मोबाइल में ही निकाल ली थी। बट मैं उसका कॉपी बनवा के एल्बम में ज़रूर रखूँगी, क्योंकि बहुत ही मस्त वीडियोज़ और फ़ोटोज़ आए इन लोगों को। और ख़ासकर तो हनी बहुत ही सेट हो गया था कृष्णा के लुक में, आप देख सकते हो। और ये जो मैंने उसको धोती पहनाया था, एक्चुअली ये मेरा दुपट्टा है, मैंने उसको धोती मतलब धोती में धोती टाइप वेयर कर लिया था। अगर आप लोगों को मतलब कैसे वेयर करना है धोती, अगर आप लोगों को जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं भी आप लोगों को शेयर करूँगी। तो ये जो नेकलेस है, मैं सोच रही थी कि इसको मुकुट की तरह वेयर करूँ, बट वो इतना हैवी था ना कि वो रुक नहीं पा रहा था सपोर्ट के लिए, तो मैंने सोचा कि जान दो उसको नेकलेस की तरह ही वेयर करते हैं। और मेरे पास एक सिल्वर कलर का जो क्राउन होता है ना वो भी था, बट वो जो गोल्डन कलर के नेकलेस के साथ सेट नहीं हो रहा था, तो फाइनली मैंने दिमाग चलाया और मेरे पास एक ऑरेंज कलर का क्लॉथ था, तो मैंने उसको पगड़ी के टाइप पहना दिया था। और बालों में लगाने वाला एक क्लिप था मेरे पास, तो वो मैंने मतलब मोर का ही क्लिप था, तो मैंने वहाँ पे पगड़ी में लगा दिया, तो उससे बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। और यहाँ पर जो टीका है मेरे पास वाइट कलर की, मतलब बिंदी नहीं है लगाने वाला, तो मैंने यहाँ पे चूना आता है ना 1 रुपये का किराना स्टोर में मिलता है, तो उसी से मैंने इसको तिलक लगा दिया था। और ये मेरा एक्चुअली नेकलेस ही है, हम लोग इसको बाजूबंद के तरह भी वेयर कर सकते हैं और चोकर के टाइप पे भी वेयर कर सकते हैं, तो इसको मैंने बाजूबंद बांध दिया। तो देखिए मतलब हनी बहुत ही क्यूट लग रहा था कृष्णा के गेटअप में, एकदम सेट हो गया था। और ये छोटे वाले को मैं सोनू को रेडी कर रही थी, बट वो बहुत रो रहा था तो इसको मैंने छोड़ दिया था, तो एक के बाद एक सबको मैं धीरे धीरे रेडी कर दूँगी। तो इसका फाइनल लुक हो गया, देखिए कैसे देख रहा है अपने आप को। सो इसका हो गया, अभी रेडी करना है सोनू को, उसके बाद मेरी ननद की लड़की को मैं राधा की तरह रेडी करने वाली हूँ। एक्चुअली ये खाने के बाद बहुत अच्छे से खेलता है, बट आज के दिन पता नहीं उसको मैं ये सब पहना रही थी तो बहुत चिड़चिड़ापन कर रहा था, बहुत इरिटेट कर रहा था, तो मैं उसको रेडी नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि उसको बाद में करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं कियांश को थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ ले लूँगी, अदरवाइज़ वो खेलते खेलते फिर मस्ती करने लगेगा, फिर सब कुछ छूट जाएगा उसका, पूरा निकाल देगा वो। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से फ़ोटोज़ ले लिए, और मेरी ननद की लड़की भी स्कूल से आ गई थी, तो उसको भी मैं रेडी करूँगी। तो देखिए इसको मैं रेडी कर रही थी, लेकिन ये रोने ही लगा था, इसके हाथ में मैं कुछ भी दो तो शांत बैठ ही नहीं रहा था। एक्चुअली इसका सोनू का फर्स्ट जन्माष्टमी फर्स्ट फेस्टिवल है, तो कियांश के भी मैंने हर साल मतलब कृष्णा जी जैसे तैयार करके मैंने फ़ोटोज़ निकाल के रखा हुआ है, मेरे एल्बम में है। और इसका भी इस बार मैं कर रही हूँ, देखिए ये तिलक लगाने ही नहीं दे रहा था, मैं 3-4 बार ट्राई कर चुकी हूँ, रुक ही नहीं रहा था। देखिए कैसे रो रहा है, इसको बिल्कुल पसंद ही नहीं है ये सब, पूरा चिड़चिड़ा चिड़चिड़ हो जा रहा था।
सो ऐसे तैसे करके मैंने उसे तैयार तो कर लिया था, बट मैं उसके फ़ोटोज़ और वीडियोस नहीं ले पाई सोनू के, क्योंकि मैंने उसको गोल्डन कलर का धोती पहना था स्टार्टिंग में अगर आपने देखा हो, बट वो थोड़ा सा मतलब लूज़ हो गया था कमर के पास, तो वो बार बार मतलब निकल रहा था। और ये वाला धोती उसको परफेक्ट आ गया था, लेकिन जो थाइस के पास थोड़ा टाइट हो रहा था तो ये भी मतलब चल गया था, लेकिन ये फ़ोटोज़ और वीडियोस पता नहीं क्यों निकालने ही नहीं दे रहा था। फाइनली मैंने उसको हाथ में बिस्किट दे दिया था, मैं उसको कभी बिस्किट देती नहीं हूँ, तो ये फर्स्ट टाइम उसने बिस्किट का टेस्ट देखा है और उसको बहुत पसंद आया था, वो खा ही रहे। तो फिर भी सब कुछ मैंने उसको तैयार करने के बाद उस फोटोज़ लेने ही नहीं दिया था पता नहीं क्यों। और जो भी है ये वीडियो, ये इसका देखिए कितना क्यूट लग रहा है ये भी। अगर सच में क्यूट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे दोनों बच्चे कृष्णा जी के गेटअप में कैसे लग रहे हैं, कृष्णा जी के मतलब कृष्णा जी जैसे मैंने कान्हा की तरह इन लोगों को तैयार कर दिया है, क्या मेरे बच्चे कान्हा की तरह देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। सो मैं इसको ये मतलब कियांश की तरह मैं इसको पगड़ी पहना रही थी, बट ये इसके सर पे रुक ही नहीं रहा था, तो मैंने ये सिल्वर कलर का क्राउन पहना दिया। इसमें ये बहुत अच्छे से सेट हो गया था, उसका जो गेटअप था वो धोती और उसमें परफेक्ट सेट हो गया था, बट फोटोज़ पता नहीं क्यों निकालने नहीं दिया। देखिए उसको बिस्किट दी थी, वही खाते खाते बैठा हुआ था। सो गाइज़ आप लोग भी जन्माष्टमी बहुत अच्छे से पूजा वूजा कर लिए होंगे और भगवान की आराधना किए होंगे, और बच्चों को भी आपने रेडी करके फ़ोटोज़ ज़रूर निकाले होंगे। अगर आपने भी ज़रूर मतलब बच्चों को रेडी करके फ़ोटोज़ निकाले, वीडियोस निकाले, तो शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंने राधा जी को भी सेम तैयार कर लिया था, क्योंकि मेरी ननंद की लड़की हमारे घर पर थी, तो उसको भी मतलब राधा की तरह रेडी करके मैं कियांश के साथ फ़ोटोज़ वगैरह लिया था। सो गाइज़ यही जन्माष्टमी का व्लॉग है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय।